हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फाइव, और चैप्टर फाइव का नाम है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में देखिए कुछ महान व्यक्ति हैं जिनका नाम दे रखा है, गुरु नानक देव, लॉर्ड महावीर, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, रजिया सुल्तान, ऊधम सिंह, लोकमान तिलक, आर्यभट्ट और श्री राजगोपालाचारी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे आएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। पहला क्वेश्चन, द इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन हु लिव्ड ड्यूरिंग गुप्ता एरा। तो गुप्ता एरा में कौन रहते थे, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है इनका? आर्यभट्ट। ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे। चलिए अब यहाँ पे कौटिल्य हैं, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, और इनका ये किस टाइम में थे? मौर्य पीरियड में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। और सुश्रुत कौन थे? ये आपके एक चिकित्सक थे, ये डॉक्टर थे। ठीक है ना, इन्होंने पहली सर्जरी की थी। ठीक है, फादर ऑफ वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक मेडिसिन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने लिखा है? तो ये लिखा है, किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। दादा भाई नेहरू जी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्होंने दिए था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दी थी। और सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जानते हैं, तो आयरन लेडी के नाम से किसे जानते हैं? आयरन लेडी के नाम से हम जानते हैं इंदिरा गांधी को। किसे जानते हैं? इंदिरा गांधी को। चलिए अब आते हैं आगे। चलिए लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को हम क्या कहते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और पंजाब नेशनल जो बैंक है उसको भी इन्होंने शुरू किया था। थर्ड नंबर, द प्लेस एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये शुरू हुआ था दांडी से, और कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 में। और उसके बाद ये जो धरसाना है, धरसाना कौन सी जगह है? ये ब्रिटिश साल्ट टैक्स से, ब्रिटिश साल्ट टैक्स से रिलेटेड है, और ये कब हुई थी? 1930 में। ये भी जानिए। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह से कौन रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था ये? ये आपका हुआ था बिहार चंपारण में, बिहार चंपारण में। ठीक है, और इसको लीड किसने किया था? महात्मा गांधी ने। फोन नंबर, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर आवाज। तो लॉर्ड महावीर कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये जगह है आपकी वैशाली। वैशाली आपकी कहाँ पे है? वैशाली आपका है बिहार में। ठीक है, बिहार में। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे देखिए लुम्बिनी, लुम्बिनी आपका कहाँ पे है? नेपाल में है। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में है, और गया भी आपका कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, और बोध गया, यहाँ पे एक मंदिर भी है, बोध महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर कहाँ पे है आपका? गया में। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3, हु एसेसिनेटेड सर माइकल ओडायर द ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो देखिए जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, इसकी हत्या किसने की थी, इसको मारा किसने था? तो इनका नाम है ऊधम सिंह, और ये इंग्लैंड जाके इन्हें मारे थे। क्यों मारे थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को इन्होंने क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी, ठीक है, अमृतसर में। तो इसकी वजह से इन्होंने, ऊधम सिंह ने इनको क्या किया था? मारा था। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। देखिए भगत सिंह का क्या कहते हैं? भगत सिंह को कहते हैं शहीद आजम, शहीद आजम, शहीद आजम के नाम से हम जानते हैं भगत सिंह को। और वीर सावरकर, वीर सावरकर ने एक शुरू किया था संगठन जिसका नाम है अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत। अभिनव भारत कहाँ से शुरू किया था? मुंबई से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द 10th सिख गुरु वॉज। तो 10वें गुरु कौन से थे? तो इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पे जो अर्जन देव हैं, अर्जन देव कौन से गुरु थे? अर्जन देव 5th नंबर के गुरु थे। और सबसे पहले गुरु कौन थे, फर्स्ट गुरु कौन थे? तो इनका नाम है गुरु नानक देव। और अंगद देव जी जो थे वो सेकंड गुरु थे, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था लहना, लहना के नाम से भी ये जाने जाते थे। फिर है गुरु हरि कृष्ण। तो गुरु हरि कृष्ण किस नंबर के गुरु थे? तो 8 नंबर के गुरु थे। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, शिवाजी वॉज बॉर्न एट सिवनेरी फोर्ट नियर। तो शिवाजी सिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था, वो कहाँ पे है? तो ये है आपका पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। अब मुंबई को क्या कहते हैं? बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक, नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं।
हु आर द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। और ये देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी कि इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले गवर्नर बने थे, ये आपके इंडियन गवर्नर जो बने थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। लेकिन ये पूछ ले कि जो इंडियन नहीं थे तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन होता अगर इंडियन ना पूछा होता तो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं राजगोपालाचारी के बारे में। और इनके नाम पे एक टाइगर रिजर्व भी है उत्तराखंड में, उसका नाम है राजा जी टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा इसको भी, उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे आते हैं, ताजमहल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ, ताजमहल किसके नाम पर बनवाया गया था, तो ये थी आपकी मुमताज़ महल, किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने और भी चीज़ें बनवाई थी जैसे कि लाल किला, लाल किला जो था दिल्ली का वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और यहाँ पे जो मार्बल यूज़ हुआ है, संगमरमर मार्बल यूज़ हुआ है आपका कहाँ पे, ताजमहल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और रजिया सुल्तान जो थी ये कौन थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, पहली मुस्लिम लीडर थी ये रजिया सुल्तान। फिर है 10 नंबर, द फर्स्ट वुमेन रूल इन दिल्ली, तो पहली वुमेन जो दिल्ली पे रूल की तो उनका क्या नाम था, रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश की ये बेटी थी। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या है, मणिकर्णिका, बचपन का नाम इनका क्या है, मणिकर्णिका, और मनु भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। और इंडिया की ये पहली महिला थी जो पीएम बनी थी, रानी पद्मिनी जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, और राजा रतन सिंह इनके कौन थे, हस्बैंड थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो था उनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और पद्मावत जो किताब है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इतनी चीज़ें हो गई, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है, द इंडियन हु एड्रेस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन इन 1893 एट शिकागो वास, तो 1893 में शिकागो में वर्ल्ड कांग्रेस रिलीजन को किसने संबोधित किया था, किसने वहाँ पे भाषण दिया था, तो ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद। कौन थे, स्वामी विवेक, इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र, क्या नाम था, नरेंद्र नाम था। चलिए, और दयानंद सरस्वती जी ने क्या शुरू किया था, आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज की स्थापना की थी किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन तो 12 है लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच सिख गुरु एस्टेब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ लंगर, लंगर किसने शुरू किया था, यानी कि इसमें किचन होता है, लोग जाते हैं और खाना खाते हैं, तो ये शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने। किसने शुरू किया था, गुरु नानक देव जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th गुरु थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना में। ठीक है ना, पटना में। ठीक है, और पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की। इसके बाद है गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव कौन से गुरु थे, 5th नंबर के गुरु थे। और गुरु अमरदास जो थे ये 3rd नंबर के गुरु थे, 3rd नंबर के गुरु थे। चलिए इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, और यहाँ पे जो भी ये चैप्टर था, ये तो 2 मिनट का चैप्टर था लेकिन आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।